के हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर अमेरिका को तगड़ी चोट पहुंचाई है। यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के बेहद शक्तिशाली माने जाने वाले MQ ड्रोन को ढेर कर दिया है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन में गिना जाता है, जिसे मारकर गिराना किसी भी देश की सेना के लिए बेहद मुश्किल काम है। यमन की राजधानी सना पर कब्जे के बाद हुती विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में MQ-9 ड्रोन मार गिराए हैं। यमन सशस्त्र बलों ने ताजा हमले की जानकारी देते हुए बताया कि लड़ाकों ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिसमें इसराइल के खिलाफ दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन के अल नकाब में नेवातीम एयरबेस को निशाना बनाया। सबिन स्क्वायर में 10 लाख लोगों को संबोधित करते हुए यमनी आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहया सारी ने बड़ा ऐलान किया। عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2 وقد وصل إلى هدفه بفضل الله وبعون الله تعالى نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة وبهذا يرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها من هذا النوع إلى 12 طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التحديات ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان। ऑपरेशन एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यानी फिलिस्तीन 2 से अंजाम दिया गया, जो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। सारी ने बताया कि यमनी एयर डिफेंस ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। हुती लड़ाकों के हमलों में तबाह हुए अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की कुल संख्या 12 हो गई है, जो अल जौफ प्रांत के ऊपरी यमनी एयर स्पेस में घुसपैठ कर निगरानी कर रहा था। यमन आर्म फोर्स के सैन्य मीडिया ने ऑपरेशन का फुटेज जारी किया। इसमें हंटर किलर UAV को एक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि संकीर्ण टारगेट से अमेरिकी ड्रोन को ढेर किया गया, जो हवा में ही आग का गोला बनकर नीचे की ओर उड़ता है। बेहद ऊंचाई से ही ड्रोन को निशाना बनाया गया, जिससे ड्रोन अनियंत्रित होकर हवा में ही रहता है। इसके बाद यमनी आर्म्ड फोर्स घटना स्थल पर पहुंचकर ड्रोन के मलबे को अपने कब्जे में ले लेती है। याहया सारी ने कहा कि जब तक इजरायली हमले खत्म नहीं हो जाते, तब तक गाजा पर नाकाबंदी नहीं हटाई जाती। लेबनान पर हमले बंद नहीं हो जाते, तब तक अभियान बंद नहीं होंगे। यमन की न्यूज एजेंसी सबा ने बताया कि अमेरिकी ब्रिटिश हमलावर विमानों ने यमन के होदे इराह गवर्नरेट में अत-तुयात किले को निशाना बनाकर 2 हवाई हमले किए। यह हमला यमन पर चल रहे अमेरिकी ब्रिटिश हमलों का हिस्सा है, जिसका मकसद इसे गाजा पर लेबनान में प्रतिरोध आंदोलनों का समर्थन करने से रोकना है। वहीं हूतियों के ताजा दावे पर इसराइल की सेना की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे पहले IDF ने कहा था कि पश्चिमी और ऊपरी गैलिली इलाकों को निशाना बनाने वाले कई अन्य ड्रोन को रोका है। बता दें कि अमेरिका के बेहद ही अत्याधुनिक और शक्तिशाली ड्रोन माने जाने वाले MQ-9 रीपर के लिए यमन बेहद खतरनाक जगह साबित हो रहा है। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ होती है। यह ड्रोन 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान कर सकता है। यमन में निगरानी के लिए अमेरिका वर्षों से MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल अमेरिकी सेना ने अभी तक हुतियों के दावे पर कोई जवाब नहीं दिया है, मगर हुतियों के पास अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का इतिहास है। ईरान की मदद से हासिल मिसाइलों के चलते हुती आसमान से हमला करने और अमेरिकी हथियारों को गिराने की क्षमता हासिल कर चुका है।